रेजिडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन। बात करते हैं आज एंटी अस्थमक ड्रग। कुछ एंटी अस्थमक सिरप्स या मेडिसिन होती है उनकी बात करते हैं। एक सिरप आता है अस्थालिन के नाम से, बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, सिप्ला का आता है अस्थालिन के नाम से। इसमें जो का फार्मूला होता है सालब्यूटामॉल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। सालब्यूटामॉल पड़ा होता है, सालब्यूटामॉल सल्फेट सिरप होता है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट, सस्ता मिलता है। नियर अबाउट इसका जो MRP है 16 या 17 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो वर्क फंक्शन है एज एंटी अस्थमक म्यूकोलेटिक एजेंट होता है। क्या करता है फ्रेंड्स, अस्थमा में क्या दिक्कत होती है, व्यक्ति का जो कार्टिलेज होता है, जो आपका ट्रैकिया में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं वो धीरे धीरे गल जाते हैं, जिससे ट्रैकिया चिपकने लगता है और एयर पास होने में दिक्कत होती है। फलस्वरूप व्यक्ति को दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में बार बार दिक्कत होती है। तो ये सॉल्ब्यूटामॉल सल्फेट क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। जब आप इसको लेते हैं, इसको पीते हैं, तो आपका जो ब्रोंकाई है जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज, तो उस ब्रोंकाई को ये डायलेट कर देता है। तो इसका नाम ही है ब्रोंकोडायलेटर। जब ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है फ्रेंड्स, तो फलस्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में आराम मिल जाता है। तो एंटी अस्थमा ड्रग है, सिप्ला की है अस्थालिन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका। मैंने बताया अस्थमा कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन जो है स्पेशली ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ये है कि ब्रोंकाई होते हैं हमारे एल्वियोलाई में, लंग्स में, उनको डायलेट कर देता है। जब उनको डायलेट कर देगा तो व्यक्ति को सांस लेने में आराम हो जाएगा और इसका वर्क फंक्शन एज एंटी अस्थमा अपने आप से ही इंडिकेट करता है कि एंटी अस्थमा, अस्थमा के अगेंस्ट जिस व्यक्ति को दमा है उसके अगेंस्ट दिया जाता है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात आपकी सालब्यूटामॉल सल्फेट की। थैंक यू।